और ये सुंदर सा नज़ारा जिसे देखने के लिए आज कर्मा के दिन हम लोग आए हुए हैं। जी हाँ, रांची मेरी जान, प्रकृति जो अपने आप में इस बरसात के सीजन में अपना रूप बिखेरती है, बस बहुत कुछ है इसमें खास। रात भर इंतज़ार करता हूँ सुबह मुलाकात होगी। सच कहते हैं लोग कि इस जगह में कुछ खास बात होती है। इस खास बात को जानने के लिए, इस प्रकृति के नज़ारे को लेने के लिए, इस पल को जीने के लिए और हाँ, इसको समझने के लिए हम चल पड़े हैं इस नए पड़ाव की तरफ। रात भर इंतजार करता हूँ सुबह मुलाकात होगी। सच कहते हैं लोग इस जगह में कुछ तो खास बात होगी। जी हाँ, हम निकल पड़े हैं। मकसद तो दिल का सुकून था, कोई मंदिर चला गया, कोई मधुशाला, और मैं यहाँ आ गया। ये जगह रांची के पास, रांची से सटा हुआ, और यह सुंदर सा दृश्य, न वो समझे न हम समझे, कहने को तो हम दोनों ही समझदार थे। तो ये हम दोनों निकल पड़े हैं इस पड़ाव की तरफ, इस मंजिल के तरफ, इस नए स्थान में जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हमें मंजिल से पहुँचने तक कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते रास्ते में बस कोई गोलगप्पा वाला ना नज़र आ जाए, वरना वहीं ठहराव मिल जाता है। रांची का यह सुंदर सा दृश्य अपने आप में अद्भुत, और सबसे खास बात, इस जगह आने के बाद बस एक ही मकसद, एक ही चाह, अपना ये रांची, सुंदर रांची। ये देखिए मैं दौड़ता हुआ, और ये हरियाली अपने आप को कहें हम भाग्यशाली, साथ में आई है मेरी घर वाली, और यहाँ पे चाय पीने का आनंद। ये बरसात का मौसम और ये कर्मा पूजा का दिन, और सामने ये नदी, और क्या चाहिए, इतना नज़दीक प्रकृति के। जी हाँ, आप आइए हमारे इस रांची में और देखिए, इस दौर बेस्ट रांची इज द बेस्ट।